हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश में लेसन 3 के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। अब आपका इसका बुक वर्क आप कर चुके हैं, बुक रीडिंग कर चुके हैं। अब आपके इसके लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। सभी बच्चे ने लेसन 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग कर लिए होंगे, कॉपी में कर लिए है ना बच्चों? चलिए तो अब लेसन 3 के वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं लेसन 3, आरुषि एंड हर वैकेशन। आरुषि और उसकी छुट्टियाँ, तो पहले वर्ड मीनिंग आती है वैकेशन। वैकेशन का मीनिंग होता है छुट्टियाँ। वैकेशन का मीनिंग क्या होता है? वैकेशन का मीनिंग होता है छुट्टियाँ। समर, समर मीन्स गर्मी, यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ। समर मीन्स गर्मी। फिर आता है वॉच। वॉच मीन्स देखना। वॉच मीन्स देखना। हम सी को क्या देखना कहते हैं, क्योंकि हमारे वॉच का मीनिंग भी देखना होता है। वॉच मीन्स देखना। फाइट, फाइट मीन्स लड़ना। काइंड, काइंड मीन्स दयालु। लेन, लेन मीन्स गली। क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स अलमारी। और फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। ओके, एक बार रिपीट कर रही हूँ। वैकेशन छुट्टियाँ, समर गर्मी, वॉच देखना, फाइट लड़ना, काइंड दयालु, लेन गली, क्लोजेट अलमारी और फैमिली परिवार। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट आइडिया दैट आरुषिज मदर गेव हर। आरुषि की मम्मी ने उसे पहला आइडिया क्या दिया, क्या उपाय दिया था उसकी आरुषि की मम्मी ने? शी प्लेज आउटसाइड विद हर फ्रेंड्स, कि वह बाहर घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल सकती है। व्हाई डिड आरुषि नॉट गो टू स्विम, आरुषि जो है वह तैरने के लिए क्यों नहीं गई? आरुषि डिड नॉट वॉन्ट टू गो, आरुषि बाहर तैरने के लिए नहीं गई। फॉर ए स्विम, तैरने के लिए नहीं गई। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू हॉट आउटसाइड, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी। व्हाट नेम डिड आरुषि गिव टू द कैट, आरुषि ने बिल्ली को क्या नाम दिया? आरुषि नेम्ड द कैट एज समर, आरुषि ने बिल्ली का नाम समर दिया। व्हाट लेसन डिड आरुषि लर्न इन हर समर वैकेशन, आरुषि ने गर्मी की छुट्टियों में क्या पाठ सीखा? आरुषि हैड लर्न्ड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, आरुषि ने सीखा कि हमारे लिए मित्रों और फैमिली के साथ समय व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर आते हैं आपके राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स देखिए, फ्री, फ्री का होगा ट्री। केम सेम, काइंड माइंड, कैट बैट, टेक लेक। राइमिंग वर्ड्स वैसे तो मिलते जुलते शब्द होते हैं, लेकिन वे भी मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी लिख दें। ट्री, हम ये देखिए फ्री है, तो मैं फ्री में एफ को चेंज करके यहाँ पर ट्री, टी लिख दिया, दोबारा बन गया ट्री। केम की जगह सेम, यानी कि सी की जगह हमने एस लिख दिया। काइट की जगह हमने एम, के की जगह एम लिख दिया। कैट की जगह बैट यानी कि बी लिख दिया। और टेक की जगह हमने लेक लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 3, जिसके आपको क्वेश्चन आंसर वर्डनिंग और राइमिंग वर्ड्स अपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।